हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कुनाफा। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी है कुनाफा की। वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और मैं इसमें एक कप चीनी डाल रही हूँ। हम यहाँ पे कुनाफा के लिए शुगर सिरप प्रिपेयर कर रहे हैं और एक कप चीनी डालने के बाद अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। जब तक हमारी चीनी घुल नहीं जाती तब तक मैं इसे मिक्स करती रहूँगी। ये बेकर्स का वेनिला एसेंस है और इसे आप फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं। तो ये रोज़ वाटर है, आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम केसर यूज़ करने वाले हैं फ्लेवर के लिए, इसलिए हम ये नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो मैंने बताया था कि मैं फ्लेवर के लिए सैफ्रन यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा सैफ्रन इसमें डाल दिया है। तो हमें शुगर सिरप को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा सा चिपचिपी कंसिस्टेंसी में रखना है। अब ये तैयार है, हम इसे ढक के रख देंगे। और हमने उसी बर्तन में 2 कप दूध लिया है और हमने अभी तक फ्लेम को ऑन नहीं किया है। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। तो हम दूध को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैं 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अब अगर ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं। अभी तक हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, इसे इन सब चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अमूलिया का मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है। अब मैं इस मिल्क पाउडर को इस दूध में मिला लूँगी। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो अब हम फ्लेम को ऑन कर रहे हैं और अब इसे हम पका लेंगे। हमें सिर्फ इसे थिक होने तक ही पकाना है। यहाँ पर हमने 50 ग्राम्स मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर लेंगे। हम इसमें ग्रेट किया हुआ सारा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा घर की मोटी मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ मेल्ट हो जाने तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। तो देखिए ये थिक हो रहा है और इसमें उबाल भी आना शुरू हो गया है। तो आप अब इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये थिक हो गया है और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है और स्पून के बैक साइड पे कोट हो रहा है। तो चलिए अब गैस ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर हमने 400 ग्राम सेवैयाँ ली हैं, ये बारीक वाली मीठे में यूज़ होने वाली सेवैयाँ हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच बटर ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अमूल बटर यूज़ किया है और ये अनसॉल्टेड है। अब हमें इस बटर को अच्छी तरह से इन सेवैयों में मिक्स कर लेना है। हमने रूम टेम्परेचर बटर लिया था ताकि जब हम इसे मिक्स करें तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने बटर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और हम इस पे बटर लगा रहे हैं। हमें पैन के ऊपर अच्छी तरह से बटर लगा लेना है। आपको इसमें अच्छी तरह से बटर लगा लेना है ताकि जब आप कुनाफा फ्लिप करो तो ये चिपके ना, अच्छी तरह से निकल जाए। जिन सेवैयों में हमने बटर मिक्स किया था उन सेवैयों को लेके हम इसका अच्छे से एक लेयर डाल देंगे। हमें अच्छी तरह से इसकी एक लेयर बना देनी है। आप देख सकते हैं हमने इसकी एक अच्छी सी थिक लेयर बना ली है। इसे अच्छे से प्रेस नहीं करोगे तो ये टूट जाएगा। जो हमने स्लरी प्रिपेयर की थी वो अब हम इस पे डाल देंगे। तो इस मिक्सचर को अब हम अच्छे से इन सेवैयों के लेयर पे डाल देंगे। हम इस मिक्सचर को डालने के बाद और एक लेयर सेवैयों की डाल देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में हमने किस तरह से और एक लेयर सेवैयों की डाली है। सेवैयों की एक लेयर डाल के हमें अच्छी तरह से क्रीम पे कवर कर लेना है ताकि जब हम पकाए तो क्रीम अंदर से लीक ना हो। और हमने एक फ्राई पैन लिया है, हम इस फ्राई पैन के ऊपर जो हमने कुनाफा बनाया है वो पैन रख देंगे। हमें इसे कवर नहीं करना है, हमें इसे 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाना है। ये पक चुका है, 10 मिनट्स हो चुके हैं। हमने यहाँ पे और एक फ्राई पैन लिया है, हम इसे इसके ऊपर कवर करके इसे फ्लिप कर देंगे। तो हमने ये फ्राई पैन को इस पर प्लेस कर लिया है और इसे हम ध्यान से अच्छी तरह से पकड़ते हुए फ्लिप कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से निकला है। देखिए थोड़ा सा भी नहीं चिपका है, बिल्कुल क्लियर निकल गया है। अब इस साइड को हमें तवे पे फिर से 10 मिनट्स के लिए पकाना है। हमारा कुनाफा बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इस पे शुगर सिरप डालना है। हमने कुनाफे को ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ा है और शुगर सिरप भी हमारा गर्म ही है। हमें कुनाफा के ऊपर अच्छी तरह से शुगर सिरप डाल देना है।
हमें थोड़ा ज़्यादा ही शुगर सिरप डाला है ताकि जब हम इसे छोड़ेंगे ये पूरा शुगर सिरप सोक कर लेगा। हमने गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा काजू और बादाम काट के डाल दिया था। तो देखिए हमारा कुनाफा तैयार है। सच बताऊँ तो ये खाने में बहुत 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 ही बढ़िया था और ये मुझे बहुत पसंद है। तो अभी तक गर्म है और आप इसको, मैं सजेस्ट करती हूँ कि गर्म ही सर्व करना क्योंकि गर्म बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बना है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।